गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोर ऑन एमएस वर्ड, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 37 से। ओके, चेंजिंग लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? जब जो दो लाइन के बीच की स्पेस होती है उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। इसे हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं, ठीक है, और दो पैराग्राफ के बीच की लाइन को भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, यानी स्पेस को बढ़ा घटा सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स, सेलेक्ट द टेक्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपको जो टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है, क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। उसके बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ ग्रुप में जा करके होम टैब से पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और वहां से लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन को चूज करेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन ऑफ द लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे जैसे जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, इसमें से आप चूज कर लेंगे कि आपको 1 inches की, 1 की चाहिए, 1.15 की चाहिए, कितनी लाइन स्पेस होनी चाहिए बीच में, कितनी गैपिंग होनी चाहिए, वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 1, टू सेट मोर प्रिसाइज स्पेसिंग मेजरमेंट्स क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और अगर आपको अपने मन से कुछ और भी चेंज करना है या कोई प्रिसाइज स्पेसिंग जो कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्रिस्क्राइब्ड की हुई है वर्ड में, उसको चूज करना है, तो आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स देखिए यहाँ बना हुआ है, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब। यहाँ से आप इंडेंट चूज करिए और स्पेसिंग टैब को, देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन अंडर स्पेसिंग सेक्शन। इसके बाद आप जो डिजायर्ड आप जो भी आपको लाइन स्पेस चाहिए स्पेस सेक्शन से आप उसको चूज कर लीजिए। क्लिक ऑन द ओके बटन एंड नोटिस द चेंज। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करिए और देखिए कि क्या चेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग अ प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग एंड प्रिंट प्रीव्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम प्रिंटर को यूज कर सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करना है उसका प्रीव्यू कैसे ले सकते हैं। एमएस वर्ड ऑफर्स अ फैसिलिटी टू प्रिंट एंड प्रीव्यू द फाइल फ्रॉम द सेम लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑन फाइल एंड देन प्रिंट। एमएस वर्ड में ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप वहीं का वहीं प्रीव्यू देख सकते हैं कि आप जो फाइल का प्रिंट दे रहे हैं वो कैसा आएगा आपके प्रिंट आउट। By proving file, you can visualize how the document will look before printing. और उसे आप evaluate भी कर सकते हैं कि आपका जो file है वो कैसी दिख रही है। अगर उसमें कोई changes की requirement है तो आप उसको close करके preview को उसमें change भी कर सकते हैं। In Word 2016, there was no print preview tab. 2016 के पहले Word में कोई भी print preview tab नहीं available था। It combines the print dialog box, the most common page setup element and print preview. ये combine किया गया है print dialog box के साथ में page setup options में जा कर के elements में, उसमें आप उसका preview देख सकते हैं। Follow the given steps. Preview देखने के लिए हमें क्या करना है? Select the file, click on file tab, the back stage view will appear. जैसे ही हम file tab पे click करेंगे हमारा back stage view आ जाएगा। सेलेक्ट प्रिंट टैब, द प्रिंट पेन विल अपियर। और जैसे ही हम अपना प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे प्रिंट पेन ओपन हो जाएगा। नेविगेट टू द प्रिंटर पेन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड प्रिंटर। उसके बाद प्रिंटर पेन पे जाएंगे और जो भी हमने अपना प्रिंटर उसमें अटैच किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर द नंबर ऑफ कॉपीज यू वॉन्ट टू प्रिंट, सेलेक्ट एनी एडिशनल सेटिंग्स इफ नीडेड। जितनी आपको कॉपी चाहिए प्रिंट करने के लिए वहाँ पर हम इनपुट कर देंगे, 2, 3, 4 जो भी, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें और किसी सेटिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है, जैसे पेज
साइज या कुछ भी, तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन प्रिंट, उसके बाद प्रिंट पे हम क्लिक कर देंगे, हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। शॉर्टकट कीज, कीबोर्ड शॉर्टकट्स अलाउ यू टू परफॉर्म द एक्शन यूजिंग ओनली योर कीबोर्ड। की शॉर्टकट कीज क्या होती हैं? शॉर्टकट कीज वो होती हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम जो भी काम माउस के थ्रू करते हैं वो हम कीबोर्ड से कीज की हेल्प से या कीज के कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू वुड हैव टू परफॉर्म दोज एक्शन विद योर माउस, जैसा कि मैंने बताया माउस की जगह पर। मैनी पीपुल फाइंड दैट यूजिंग द कीबोर्ड इज फास्टर देन यूजिंग द माउस बिकॉज देयर हैंड्स आर ऑलरेडी पोजिशनड ऑन द कीबोर्ड इफ दे आर टाइपिंग इन द टेक्स्ट। बहुत से लोगों को कीबोर्ड्स के शॉर्टकट कीज यूज करना ज़्यादा ईजी लगता है माउस की जगह पे, क्योंकि आपकी हाथ ऑलरेडी कीबोर्ड पे सेट होते हैं, यानी आप पे फिट होते हैं, रखे रहते हैं, और आपको माउस चलाने के लिए उनको बार बार वहाँ पे माउस पे ले जाना पड़ता है, तो इसलिए जो कीबोर्ड से फंक्शन करना उनको ज़्यादा ईजी लगता है। लेकिन जिनका हाथ कीबोर्ड पे सेट नहीं है उनको माउस ज़्यादा ईजी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारी शॉर्टकट कीज भी दी हुई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कि कभी आपका माउस वर्क ना करे तो आप उसको यूज़ कर सकें, आपका काम रुके नहीं। ठीक है,